हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सब लोग सैड फील कर रहे होंगे, जितने भी जीमाई लवर थे सब लोग मतलब सैड फील कर रहे होते हैं कि मतलब क्या हो गया यार, फिर से प्ले स्टोर से चला गया और ऐप स्टोर से अपना गेम चला गया है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला। और गेम वापस प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर वापस देखने को आपको मिलेगा कि नहीं, ये चीज़ भी मैं आपको पूरा परफेक्ट बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना और वीडियो के साथ बने रहना। तो देखो सीन क्या है ना, अभी अपना गेम देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, किसी किसी के फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है सर्वर इशू का, तो उनका हो सकता है कि नेट फिक्स ना हो या फिर कुछ ना कुछ इशू उनके फोन के अंदर हो सकता है। लेकिन मैंने जितनी बार गेम ओपन किया उतनी बार बिल्कुल परफेक्ट गेम ओपन हुआ है, उसमें कोई सीन देखने को नहीं मिला। तो देखो पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट ने ही बोला है प्ले स्टोर से हटाने के लिए गेम को, तो गूगल वाले ने अपना गेम हटा दिया है वहां से और ऐप स्टोर से भी हट गया है। तो सीन यह हुआ है कि बहुत सारे लोग मतलब इस गेम के पीछे पड़े हैं कि ये गेम खेल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, बहुत कुछ सीन हो रहा है बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हाल ही में एक कांड हुआ था, एक बच्चे अपने मम्मी को मार दिया था। तो ये जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अपना गेम जो है कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा हुआ है। तो आई होप ये गेम एक मतलब इतने 24 घंटा होने ही वाला है, मानकर चलो अभी तो 12 घंटा हुए हैं, तो रात के 2 बजे हो जाएंगे 24 घंटे अपने गेम को हटे हुए। तो आई होप ये 24 घंटे के अंदर वापस आ जाए। अगर नहीं भी आता है तो आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये गेम अपना वापस आएगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी जिमाई वालों ने इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा किया है। और अपना ईस्पोर्ट आप सभी को पता ही है कि कितना आगे जा चुका था इस गेम को लेकर। एक यही मतलब एक सोलो यही गेम था जो कि अपने ईस्पोर्ट को इतना ऊपर और इंडिया को इतना ऊपर ले गया था। तो वो अलग बात है कि लोगों को इससे तकलीफ होती है, सच में बता रहे इस गेम के पीछे सब लोग पड़े हैं। पबजी मोबाइल इंडिया में आया, बैन हो गया, फिर से वापस जिमाई आया, फिर से प्ले स्टोर ऐप स्टोर से हट गया। भाई सब लोग को ले देकर इसी के पीछे पड़ना है, क्योंकि बच्चे इस पर अपना भविष्य देख रहे हैं। देखो बहुत लोग रोड से उठकर आज कहाँ से कहाँ पहुंचे सिर्फ एक गेम की वजह से, अब सभी को पता होगा वो है अपना बीजीएमआई। बीजीएमआई की वजह से बहुत लोग आगे पहुंचे हैं और बहुत लोग आगे जा भी रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं यार इंडिया को मतलब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की, वैसे भी आप सभी को पता है कि इंडिया में जरूरत से ज़्यादा बेरोजगारी है, तो लोग इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपायर हो रहे थे, ऊपर जा रहे थे इस गेम से। छोटे छोटे बच्चे जो है भाई उतना तो मतलब उनको केयर करना पड़ेगा ना, तो फैमिली का काम है उतना सपोर्ट मतलब उनको केयर करना, तो भाई उन सब की बात छोड़ दो। मतलब एक ही बात मैं कहूँगा कि अभी 24 आवर्स नहीं हुए, 24 आवर्स का वेट करो, अगर नहीं भी होता है तो 2 से 3 दिन के अंदर अपना गेम वापस प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। और मैंने बहुत सारा देखो अभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, मैं अभी से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अभी वीडियोस अपलोड करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ व्यू आने से नहीं होता है, जो परफेक्ट जानकारी रहती है तभी वीडियोस को शेयर करना चाहिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, हर जगह हर वीडियो देखा, सबकी वीडियोस मैंने देख ली कि कोई क्या बोल रहा है, कौन कौन क्या बोल रहा है, सबकी वीडियोस देखने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे इतना तो पता है कि भाई गेम अपने से मतलब कहीं दूर नहीं जाने वाला है। तो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे, तो फालतू में कोई रिएक्शन देने की और लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका गेम कहीं नहीं जाएगा, वापस ही आएगा। तो आप लोग मेरा गेम देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट, iOS में स्टार्ट हो रहा है और मैंने एंड्रॉइड में भी करके देखा था। तो आपको करना क्या, सबसे पहले चीज़ कि आप अगर iOS में गेम खेलते हो तो आपको गेम को डिलीट नहीं करना है, क्योंकि iOS में थर्ड पार्टी कहीं भी सपोर्ट नहीं करता, तो आप वापस गेम अपना डाउनलोड नहीं कर पाओगे। अगर आप एंड्रॉइड में खेलते हो तो भी आपको अपना गेम को डिलीट नहीं करना, अनइंस्टॉल गलती से भी मत करना, क्योंकि वापस आपको एंड्रॉइड में गेम देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाएगा कहीं थर्ड पार्टी से तो आपका आईडी बैन होने के चांसेस रहेंगे। तो आपको रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप मजे से खेलो, ज़्यादातर टीडीएम खेलो, वार खेलो, छोटे छोटे मैप ज़्यादातर खेलो, इरेंगल भी आप खेल सकते हो, लेकिन छोटे छोटे खेलो, मजे लो बस, और कुछ नहीं करना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा के लिए। मैंने यूसी परचेज करके भी देख लिया था कि क्या पता यूसी परचेज ना हो गेम के अंदर, लेकिन यूसी परचेज भी हो रही है और न्यू कार का इवेंट भी गेम के अंदर आ चुका है। तो आप मुझे नहीं लगता है कि अपना जो गेम बीजीएमआई ये परमानेंट बैन होगा, क्योंकि अभी तक परमानेंट बैन हुआ नहीं और सर्वर भी डाउन नहीं हुआ है, क्योंकि सर्वर 24 आवर्स के अंदर अंदर आधा से ज़्यादा लोगों के पास सर्वर खत्म हो जाता है। तो आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि अभी बीजीएमआई अपने पास है, कहीं नहीं जा रहा है। तो मैंने यूसी परचेस करके भी देख लिया था। चलो वीडियोस को यहीं पे एंड करते हैं और आगे आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियोस के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।